हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनकेडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होता है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डॉट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको एक लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सत्र दिया जाता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करें, यह आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनकेडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनकेडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनकेडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है और यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। अब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है उसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस 77,500 है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होता है क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज जैसे देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सबसे टफ कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं एक ऐसे मेंटोर की जरूरत होती है जो आपको समय समय पर आपका मार्गदर्शन करे, आपके कमजोर पक्ष और मजबूत पक्षों पर आपका ध्यान आकर्षित कराए, आपको कमजोर पक्ष पर मेहनत कराए, खुद भी उस पर मेहनत करे और आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक कर आपको सही मार्गदर्शन दे। तो ऐसा मेंटोर जो है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर फोकस करें। इसके साथ ही आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और अनकेडमी के द्वारा 2021, 2022 और 2023 के लिए जो है 11 जनवरी से नए बैचेज की शुरुआत की जा रही है, तो आप इस बैचेज का सब्सक्रिप्शन लेकर
और जिस वर्ष भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये जो बैचेज शुरुआत हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 11 जनवरी को शुरुआत हो रही है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, जो भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 साल या 2 साल का, आप लेकर इसमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी आधारित बैचेज की भी शुरुआत की जा रही है, तो उसमें भी जो है सो आप अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपने क्लास को और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अनकेडमी के द्वारा जो है सो एक कम्बो पैक की शुरुआत की गई है, जिसमें आप यदि प्लस यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर का कोर्स और जीएस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का जो है सो ये 88,705 में मिल जाएगा, 24 मंथ का जो है सो ये आपको मिल जाएगा 1,31,500 में। और यदि आप प्लस कोर्स में जीएस का प्लस कोर्स और यूपीएससी ऑप्शनल पेपर का प्लस कोर्स लेते हैं तो फिर यह आपको 70,000 में मिल जाएगा 12 मंथ का, और 24 मंथ का 99,680 में। और मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना ना भूलें, ShankarYT, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे कि पहले से ही आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि अनकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है बढ़ने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो शीघ्र ले लें, नहीं तो बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना होगा। और आपको मेरा रेफरल कोड याद रखना है जो ShankarYT है, इस ShankarYT का प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे और फिर मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त कर पाएंगे प्लस कोर्स में। तो आइए एक बार सभी का नववर्ष में निबंध लेखन के क्लास में स्वागत है। और यह स्ट्रैटेजिक सेशन होगा, यानी कि यह एक प्रकार का जो है रणनीतिक सेशन होगा। और ये जो रणनीतिक सेशन होगा, तो इस रणनीतिक सेशन के देने का उद्देश्य क्या है वो आप जान लीजिए और फिर हम आपको आगे इस पर चर्चा करते हैं। ये जो रणनीतिक सेशन है, बेसिकली आपने देखा था कि 2021 का जो एग्ज़ाम है या आगे जो 22-23 जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उस पर मैंने एक पूरी फुल स्ट्रेटजी का एक प्लान तैयार किया है, और उसी के श्रृंखला का ही अगला वीडियो। आपने देखा होगा कि आपको 1 जनवरी को आपको मिला होगा कि यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर की तैयारी कैसे करें, उस पर एक स्ट्रेटजी सेशन था। दूसरा फिर आपको 2 जनवरी को एक स्ट्रेटजी सेशन मिला होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि बाकी बचे 6 महीने में आप यूपीएससी पीटी का कैसे तैयारी करें। तो मेंस वाले सेक्शन में केवल मैं जीएस पर चर्चा किया था, तो अभी भी क्या है कि इसमें 2 एरिया बाकी है जहां पर स्ट्रेटजिक सेशन की जरूरत है। तो एक आपके लिए आज ही स्ट्रेटजिक सेशन है, और आज का जो स्ट्रेटजिक सेशन है, रणनीतिक सेशन है, वो बेसिकली निबंध पर आधारित है। और निबंध जो है वो बेसिकली क्या है, मुख्य परीक्षा का हिस्सा है। और इसमें एक और स्ट्रेटजिक सेशन की जरूरत होगी, जिसमें आपके वो ऑप्शनल पेपर पर आधारित होगा कि ऑप्शनल पेपर का चयन कैसे करें, किस आधार पर करें, क्या उसका पेरिमीटर्स होना चाहिए, वो भी हम आपके साथ एक स्ट्रेटजिक सेशन लेकर आएंगे। तो जाके आप मेंस के स्ट्रेटजिक सेशन को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप उस पर काम करेंगे तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा। पीटी का मैंने स्ट्रेटजिक सेशन दिया है, उस पर आप काम कर लेंगे, जो मैंने बताया 6 महीने में कैसे कैसे काम करना है। आज निबंध पर आपको बता रहे हैं, और अगले स्ट्रेटजिक सेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑप्शनल पेपर का चयन करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए उसी रणनीतिक सेशन का एक हिस्सा है निबंध लेखन। तो इस निबंध लेखन के सेक्शन में हम लोग क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक में क्या जानेंगे उसके बारे में जान लिखिए। सबसे पहले निबंध लेखन का महत्व क्या है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है कि निबंध लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा, निबंध लेखन में टॉपिक के चुनाव का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर निबंध लेखन में भाषाई शुद्धता का क्या महत्व है, उस पर चर्चा करेंगे। निबंध लेखन और भाषा के प्रवाहमय शैली का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है। फिर निबंध लेखन की जो प्रक्रिया और सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। निबंध की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही आता है कि अभी भी जब आप जीएस का कोई भी प्रश्न लिखने के लिए बैठते होंगे या सोचते होंगे तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता होगा कि आखिर शुरुआत किस तरीके से किया जाए। तो शुरुआत कैसे की जाए, ये हर एक जगह पर आपके लिए समस्या होती है, तो शुरुआत कैसे करें इस पर, और फिर निबंध का अंत कैसे करें इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि इस सेशन का मूल मकसद जो है ये यही है कि आप यूपीएससी में एक बेहतर यानी सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखें। और जब आप, जाहिर सी बात है कि सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखें, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप यूपीएससी में जो
जो आपका मार्क्स है उसमें 150 मार्क्स से कैसे ऊपर आप निबंध में उठा सकते हैं, इसी पर आधारित होगा एक रणनीतिक सेशन, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में निबंध का महत्व क्या है। तो आपका जो निबंध का जो पेपर है ये मेंस का भाग है, और मेंस में निबंध का जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है, और 250 नंबर का जो निबंध होता है तो निबंध में आप देखेंगे कि अंकों में जो अंक जो प्राप्ति होती है उसमें काफी वेरिएशन होता है, वेरिएशन काफी अधिक होता है निबंध की प्राप्ति में। वेरिएशन क्या होता है कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं सिलेक्टेड जिनको निबंध में 160 से भी प्लस मार्क्स मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको निबंध में आप देखेंगे कि एक तो बिलो 100 भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप 70 से 80 के आसपास भी निबंध में सिमट कर रह जाते हैं। तो यदि आप निबंध में 70 से 80 के आसपास सिमट कर रह जाते हैं और किसी ने 160-150 नंबर प्राप्त कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे आपसे 2 गुना नंबर प्राप्त किया हुआ है। तो ये जो निबंध का वेरिएशन का अंतर होता है ये कहाँ कहाँ पर करेगा आपको परेशान या आपके लिए, तो सबसे पहले निबंध जो है ना सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाता है, सिलेक्शन दिलाने में इसकी बड़ी भूमिका है। आप इसी से देख लीजिए कि निबंध लेखन में किसी व्यक्ति को, किसी आईएएस एस्पिरेंट को यदि 80 नंबर 90 नंबर 70 नंबर मिलता है और किसी आईएएस एस्पिरेंट को यदि वो 150 के ऊपर लेकर निकल जाता है निबंध लेखन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना गैप यहाँ पर आ गया। यह चाहकर भी अब इसको बीट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके यदि निबंध में अच्छे नंबर आए हैं तो एक मैं अभी ही बता देता हूं कि निबंध में अच्छे नंबर उसी को आते हैं जिसका जीएस पेपर अच्छा होता है पहला, जिसको जीएस पेपर के अच्छे होने के साथ साथ दूसरा क्या होना चाहिए, समसामयिक विषयों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और समसामयिक विषयों पर अच्छी पकड़ होने के साथ क्या होना चाहिए, एक तरीके से इंटरलिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, विषय वस्तु को एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तुलनात्मक क्षमता होनी चाहिए, तभी होती है। और जाहिर सी बात है कि जिसको निबंध में 150-160 नंबर, कई बार तो अभी तक निबंध में 176 नंबर जो है 250 पेपर में गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसको 176 नंबर निबंध में आता है वह जो है सो जीएस में भी मजबूत होगा, तभी उसको अच्छा नंबर आता है। और यदि आपने निबंध में 150 नंबर प्राप्त कर लिया तो ना केवल ये आपको रैंक अच्छा ये सिलेक्शन दिला सकता है बल्कि निबंध के माध्यम से एक आप अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की, जो सबसे प्रतिष्ठित आईएएस आईपीएस जहां पर भी आप जाना चाहेंगे वो अच्छा रैंक आपको ये दिला सकता है। तो निबंध को कभी भी इग्नोर करके नहीं चलना है, ये आपको ध्यान में रखना है, उस पर खूब अच्छे से काम करना है। और निबंध के लिए देखिए बहुत सारे मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध होती है लेकिन मेरे समझ से वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि उसमें एक कुछ टॉपिक पर निबंध लिखा हुआ है, यदि वो टॉपिक आया तब तो आप निबंध लिख पाएंगे अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। तो निबंध लेखन करने के लिए आपको खुद क्या विकसित करना होगा ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो निबंध लेखन के लिए खुद क्या विकसित करना होगा वो मैं यही आपको बता देता हूँ तभी मैं आपके आगे ले चलूंगा। तो निबंध बेहतर निबंध लिखने के लिए खुद में क्या विकसित करना होगा, खुद में क्या विकसित करना होगा ये आप यदि कर लेंगे तो आपको निबंध में कोई परेशानियां नहीं होगी। खुद में क्या विकसित करें ये ध्यान में रखें। तो खुद में आपको क्या विकसित करना है और क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको जनरल स्टडीज पर मजबूत पकड़ बनानी है, इस पर आपको मजबूत पकड़ बनानी होगी। और यदि इस पर आप मजबूत पकड़ बना लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको निबंध लेखन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जीएस पर यदि मजबूत पकड़ नहीं रहेगी तो आप स्टैटिक निबंध लिखेंगे उसमें नंबर नहीं आएगा। दूसरा, अच्छे निबंध लिखने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको अपना ऑप्शनल पेपर भी अच्छा मजबूत होना चाहिए, ऑप्शनल पेपर भी मजबूत होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि ऑप्शनल पेपर का निबंध से क्या लिंकिंग है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शनल पेपर भी मजबूत होना चाहिए और यदि ऑप्शनल पेपर मजबूत होगा तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपके ऑप्शनल पेपर से ही निबंध नजदीक आ जाएगा तो आप उस पर बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। तीसरा, निबंध लिखने के लिए क्या होना चाहिए कि एग्जाम्पल देने के लिए या विषय वस्तु की तार्किकता के तर्क पर कसौटी कसने के लिए क्या होना चाहिए कि समसामायिक विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, समसामायिकी पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, समसामायिकी पर
अच्छी पकड़, और समसामयिकी पर यदि अच्छी पकड़ होगी तो आप निबंध में नयापन ला पाएंगे, नए तत्वों को लिख पाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि जो आप बुक में एग्जाम्पल पढ़े हुए वही एग्जाम्पल आप लिखने का प्रयास करेंगे, जो काफी पुराना एग्जाम्पल होगा। तो समसामयिकी पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। और चौथा आपको क्या करना होगा कि आपको इंटरलिंकिंग कैपेसिटी विकसित करनी होगी, इंटरलिंकिंग कैपेसिटी विकसित करनी होगी, इंटरलिंकिंग क्षमता विकसित करनी होगी। इसका अर्थ ये होता है कि किस तरीके से आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ पाते हैं, कैसे आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भूगोल से जोड़ पाते हैं, कैसे भूगोल को इकोनॉमिक और हिस्ट्री से जोड़ पाते हैं, कैसे हिस्ट्री को पॉलिटी ज्योग्राफी से, ये इंटरलिंकिंग कैपेसिटी निबंध में बड़ा मायने रखता है, ये विकसित करना होगा। और फिर आपको तुलनात्मक क्षमता विकसित करनी होगी कि आप लेखन में तुलनात्मक विश्लेषण कैसे करें, ये करना होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपको ये सब कब होगा, तो आपको लिखन भाषाई शुद्धता पर ध्यान देना होगा। अभी जो आप लिख रहे होंगे तो भाषाई शुद्धता जो है सो निबंध लेखन में बहुत मायने रखता है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। और निबंध लेखन जो होना चाहिए ना, एक प्रवाहमय शैली होनी चाहिए, प्रवाहमय शैली होनी चाहिए, तो आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे। और फिर से एक बार कहूंगा कि आप जितना अपना आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे जीएस के लिए और अन्य चीजों का, उतना बेहतर निबंध भी लिख पाएंगे और जीएस में भी आप अच्छे नंबर ले आएंगे। यदि आप डिपेंडेंट रह जाएंगे कि नहीं मार्केट के बुक का हमें जरूरत है, उसी बुक के निबंध को आप पढ़ कर जाएंगे एग्जाम में, तो कोई जरूरत नहीं है कि वही निबंध, और यूपीएससी में तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि जो आप बुक पढ़ के जाएंगे निबंध का वही निबंध आएगा। यहाँ हमेशा नवाचार का निबंध होता है, इनोवेशन वाले निबंध होते हैं। तो वहां पर आपको अपनी जो कैपेसिटी बनाई हुई है प्रिपरेशन के दौरान, जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है, जनरलाइजिंग कैपेसिटी है, वही आपका काम देगा। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप एक पेज पेज लिख के निबंध में रुक जाएंगे। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि निबंध में आप यदि अच्छे निबंध लिखते हैं तो कम से कम आप 140 मार्क्स तो निबंध में जरूर ला सकते हैं। और जब निबंध में आप 140 मार्क्स ले लाएंगे और इससे प्लस नंबर ले आएंगे तो निसंदेह आपका सिलेक्शन होगा, यदि जीएस अच्छा है। और इंटरव्यू यदि थोड़ा पुअर भी जाएगा तो ये निबंध आपको सिलेक्शन दिला देगा, और यदि इंटरव्यू भी अच्छा चला गया, निबंध में अच्छे नंबर हैं, तो आपको रैंक अच्छा मिल जाएगा, मनपसंद का सेवा मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब सबसे जरूरत क्या है कि निबंध क्या होता है और निबंध के प्रकार क्या होते हैं, ये जानने की जरूरत है। तो निबंध क्या होता है और निबंध के प्रकार में, तो सबसे पहले क्या अर्थ होता है कि निबंध का जो मूल अर्थ होता है ना, बंध अर्थात बांधना होता है। और यदि निबंध का अर्थ बंध अर्थात बांधना होता है तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि जो कोई विषय वस्तु आपको दिया गया है उससे संबंधित विषय वस्तु के ज्ञान को आप किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हुए बांधते हुए लिखते हैं, वही निबंध कहलाता है। सिंपल सा अर्थ है कि जैसे मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर या आत्मनिर्भर भारत पर आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको आत्मनिर्भर, और हो सकता है कि यूपीएससी में इस बार ये निबंध आ भी जाए, आत्मनिर्भर भारत पर आपको निबंध देने के लिए, निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो अब इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो एक सब्जेक्ट दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है आपको, इस टॉपिक को समझते हुए और इससे संबंधित चीजों को किस तरीके से आप क्रमबद्ध रूप से, सिक्वेंशियली रूप से प्रस्तुत करते हुए बांधते हैं, विषय वस्तु से भटकते नहीं है, वो निबंध कहलाता है। तो बिल्कुल निबंध का अर्थ ही होता है कि जो दिया गया टॉपिक है उस टॉपिक को आप किस तरीके से बांधते हैं, किस तरीके से प्रवाहमय करते हैं, किस तरीके से अपने ज्ञान को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वही निबंध कहलाता है। और इस आधार पर यदि देखेंगे तो निबंध जो होता है इसको चार वर्गों में रखा गया है। एक विचाराधारात्मक निबंध होता है, दूसरा वर्णात्मक निबंध होता है, तीसरा विवरणात्मक निबंध होता है, और चौथा जो होता है वो भावात्मक निबंध होता है। तो जो अब ये जान लेना होगा कि विचारधारात्मक निबंध किसको कहेंगे, तो सबसे पहले अर्थ होता है कि यदि किसी टॉपिक को, जो टॉपिक आपको दिया गया है या जो विषय वस्तु आपको दिया गया है, तो उस विषय वस्तु को यदि आप, ये शब्द सब आप लिख लेंगे, यदि उस विषय वस्तु को आप विवेचन के साथ विश्लेषण के साथ
और साथ ही साथ क्या है कि तर्कपूर्ण आधार पर यदि आप उस विषय वस्तु को लिखते हैं तो वो विचारात्मक निबंध कहलाता है। विवेचन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, और विश्लेषण में कारण परिणामों की व्याख्या होती है। तो और तर्कपूर्ण आधार पर कि वो कितना संवैधानिक दृष्टिकोण से सब्सटेंशियल है, विधि के दृष्टिकोण से सब्सटेंशियल है, समाज, देश, राज्य व्यवस्था, काल के अनुसार सब्सटेंशियल है, उसके आधार पर कसौटी पर कसकर जब आप निबंध लिखते हैं तो फिर क्या होता है कि वो विचारधारात्मक निबंध कहलाता है। वर्णात्मक निबंध जो होता है, तो वर्णात्मक निबंध की विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु या किसी सब्जेक्ट, जो टॉपिक दिया हुआ है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति विशेष जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई महापुरुष के ऊपर दे दिया जाए निबंध लिखने के लिए, उसका संदर्भ यहाँ पर व्यक्ति का ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और साथ ही साथ दृश्य आदि का निरीक्षण करते हुए, दृश्य का निरीक्षण करते हुए यदि निबंध लिखा जाता है, निरीक्षण करते हुए निबंध लिखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्णात्मक निबंध कहते हैं। जैसे आपको स्वामी विवेकानंद, जैसे व्यक्ति है तो स्वामी विवेकानंद के ऊपर आपको निबंध दे दिया जाए लिखने के लिए, ऐसे यूपीएससी में इस तरीके का तो आएगा नहीं, बचपन में आपने जरूर लिखा होगा, तो फिर उस तरीके का अब उनके बारे में हमें वर्णन करना, हर एक चीज के बारे में लिखना उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में, तो वो क्या होता है, वर्णात्मक निबंध होता है। और जो विवरणात्मक निबंध होता है, तो ऐसे निबंधों में क्या होता है कि इसमें ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों और दृश्यों का रोचक और आकर्षक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का क्या किया जाता है, घटनाओं का जो है सो रोचक और आकर्षक वर्णन, रोचक और आकर्षक प्रस्तुतिकरण वर्णन के साथ निबंध लिखा जाता है। और भावात्मक निबंध का अर्थ होता है कि आपके हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव, आपके किसी विषय वस्तु पर आपके हृदय से उत्पन्न होने वाले, हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव के आधार पर निष्कर्ष लिखा जाए, भाव के आधार पर निबंध लिखा जाए, तो वो भावनात्मक निबंध। तो सबसे पहले जब आपको निबंध, पहला इसके बताने का अर्थ यही है कि जब आपको यूपीएससी का पेपर मिले और आप स्टेट पीसीएस में भी जहां पर निबंध लिखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो निबंध आपको दिया गया है लिखने के लिए और जो निबंध आप लिखने जा रहे हैं, वो वास्तव में विचारात्मक निबंध है या वर्णात्मक निबंध है या विवरणात्मक निबंध है या भावात्मक निबंध है, किस कैटेगोरी का वो निबंध है, ये आपको देखना है। और यदि आप इन चीजों को पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप विषय वस्तु से नहीं भटकेंगे, और जब आप विषय वस्तु से नहीं भटकेंगे तो आप अच्छे नंबर की प्राप्ति करेंगे। विषय वस्तु से भटकने पर क्या होता है कि आप समय भी ज्यादा लेते हैं लिखने में, और अच्छा लिख भी नहीं पाते हैं, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले यही देखना है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है वो निबंध के किस सेक्शन में है, किस कैटेगरी में है, और पहचान के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से करना है, जब आप समझ जाएंगे तो। नेक्स्ट जो इसमें होता है निबंध में, जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है और बताना है, वो है कि निबंध लेखन का जो सिद्धांत है, इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी प्रक्रिया और सिद्धांत क्या है, तो वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले निबंध लेखन में पहला किस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि प्रसंग का ध्यान रखना है। प्रसंग का अर्थ होता है कि जो विषय वस्तु या जो टॉपिक आपको दिया गया है, आप उसी टॉपिक के इर्द गिर्द हैं या टॉपिक से भटक चुके हैं, टॉपिक के इर्द गिर्द हैं या टॉपिक से भटक चुके हैं, ये सबसे पहला। तो प्रसंग को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपको दिया गया है उसी के इर्द गिर्द रहना। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं दे दूं कि जैसे कि मान लीजिए आप अभी की स्थिति में देखेंगे, हो सकता है कि इस बार कोविड पर भी जो है सो आ जाए निबंध लिखने के लिए, कोविड से कुछ जुड़े हुए, तो कोविड-19 और वैश्विक समस्या, कोविड-19 और वैश्विक समस्या करके यदि कोई निबंध आ जाता है लिखने के लिए, तो फिर आप जब भी लिखें तो आप यही देखें कि आपका जो लेखन है इसी के इर्द गिर्द है या आप लेखन से भटक चुके हैं, टॉपिक से हट चुके हैं। जब आप हट जाएंगे तो नंबर कम हो जाएगा।
दूसरा क्या है कि आपको निबंध में क्या होना चाहिए, संक्षिप्तता का आपको ध्यान रखना है कि निबंध जो भी आप लिखें बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए, संक्षिप्त। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में स्पेशल उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि यदि आप निबंध जो शब्द सीमा दी गई उसके अंदर मजबूत और तर्कपूर्ण लिखते हैं तो आपके निबंध को वरीयता दिया जाएगा। तो संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त होने का अर्थ है कि जो आप निबंध लेखन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसका हर एक दृष्टिकोण से वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। संक्षिप्त यानी काफी मजबूत होना चाहिए, और मजबूत किससे होगा, तो मजबूत होगा आपकी जो भाषाई पकड़ होगी, भाषाई पकड़ पर मजबूत होता है निबंध। दूसरा ये जो निबंध आपका मजबूत होगा जो भाषाई शुद्धता कहते हैं उस पर होगा, और उससे भी सबसे मजबूत होगा किस पर, कि यदि विषय वस्तु पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ है तो फिर आप निबंध बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो संक्षिप्त निबंध लिख सकते हैं। और विषय वस्तु पर पकड़ अच्छी बनाने के लिए क्या करना होगा, ये मैंने आपको बताया है कि आपको डीएस अच्छा करना होगा, अपने अंदर के सोच और स्किल्ड को विकसित करना होगा। फिर क्या होना चाहिए, सटीक और प्रभावी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि निबंध लेखन सब में क्या होता है कि जो आप भूमिका लिखते हैं निबंध का, या भूमिका जिसको आप एक तरीके से प्रस्तावना भी निबंध का कह सकते हैं, तो भूमिका और प्रस्तावना जो होना चाहिए निबंध का बहुत ही सटीक होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए, ताकि पहला पैराग्राफ या पहला पेज पढ़ने के बाद जो तो कॉपी चेक करने वाला उसको लग जाए, उसके मन में इस तरीके का भाव उत्पन्न कर दीजिए कि अब आगे ये क्या लिखा होगा, अब आगे ये क्या लिखा होगा। तो ये आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो यदि आप सटीक प्रस्तुतिकरण और प्रभावी लेखन से निबंध की शुरुआत की है तो फिर ये जो चेक करने वाले होंगे ये पूरा पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, और जब पूरा पढ़ने के लिए मजबूर होंगे तो फिर आप अच्छे नंबर इनसे प्राप्त कर लेंगे ये। और यदि मान लीजिए आपने लेखन की शुरुआत ही इस तरीके से किया है कि वो प्रवाहपूर्ण नहीं है, प्रभावी नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार का जो कॉपी चेक करने वाला वो निबंध के प्रति भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप अच्छे नंबर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो निबंध लेखन में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्रस्तुतिकरण हो, जो भूमिका हो, जो प्रस्तावना हो, वो बहुत ही सटीक होना चाहिए और बहुत ही तर्कपूर्ण होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, विषय से जुड़कर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। फिर पांचवा क्या है कि आपको भाषाई शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि निबंध जो होता है इसमें भाषाई शुद्धता का बहुत ध्यान, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम भी होता है लिखने के लिए। जनरल स्टडीज में क्या होता है ना कि आपके पास समय बहुत कम होता है, एक क्वेश्चन के लिए 6.5 मिनट मैक्सिमम समय मिलता है आपको। तो उसमें क्या होता है ना कि यदि आप थोड़ा सा हर्षई दीर्घ में इधर उधर भी कर लेते हैं तो कॉपी चेक करने वाले थोड़ा सा वहां पर फ्लेक्सिबल, लेकिन निबंध में लिखने के लिए पर्याप्त समय होता है और भाषाई शुद्धता पर बहुत ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं तो जो भाषाई कसौटी होती है निबंध को सही जांच परखने की, नंबर प्राप्त करने का, वो ध्यान। प्रवाहमय शैली होना चाहिए। प्रवाहमय शैली कहने का अर्थ है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो पढ़ने वाले के मन में क्या होना चाहिए कि एक तरीके से जो ऊंच और नीची का, ऊंच नीच का भाव कहते हैं ना, कि उसके मन में एक तरंग की प्रकृति उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से पढ़ते हुए मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और यदि उसके मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा, आपने स्टीरियो टाइप का लिख दिया, कभी कभी आप देखते होंगे किसी व्याख्यान में कोई व्यक्ति एक ही टोन में बोलना शुरू कर देता है, तो जब एक ही टोन में वो बोलेगा तो आप 2-4 मिनट उसको सुनेंगे, उसके बाद आप भी वहां से हटना शुरू हो जाएंगे। निबंध में वही होता है, यदि निबंध में एक ही टोन में वो पढ़ लिया व्यक्ति अंदर के मन के एक ही टोन में, तो फिर आपको नंबर की प्राप्ति करनी होगी। लेकिन यदि निबंध में डिफरेंट टोन में आपने उसको बांध दिया और डिफरेंट टोन डिफरेंट भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगेगा, तो फिर आप निबंध में अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर लेंगे। फिर विषय का विखंडन। विषय का विखंडन का अर्थ है कि जो टॉपिक आपको निबंध लेखन के लिए दिया जाता है उस टॉपिक का आप क्या कर लीजिए कि सेक्शन वाइज तोड़ लीजिए। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस पर यदि आपको निबंध दिया जाए तो यहाँ तो सिंपल एक ही टॉपिक है कि आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है इसके हर एक पक्ष को लिखना है, लेकिन
लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा आपको, निबंध में हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो सबसे पहले आपको एक परिचय का सेक्शन लिखना होगा जिसको भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आत्मनिर्भर का क्या अर्थ होता है। भारत तो अभी दूर, आत्मनिर्भर का क्या अर्थ होता है ये आपको पहले बताना होगा, तब आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या अर्थ है वो आप समझा पाएंगे। और फिर जब आप उसको लिखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ ये है, तो फिर इसका राजनीतिक आस्पेक्ट क्या है, सामाजिक आस्पेक्ट क्या है, आर्थिक आस्पेक्ट क्या है, जो एक तरीके से सुरक्षात्मक आस्पेक्ट क्या है, हर एक एंगल से आपको देखना होगा और लिखना होगा किस तरह से इसकी जरूरत है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बांटकर विषय का विखंडन करते हुए आपको निबंध लिखना चाहिए। और फिर निबंध में आठवां लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि आपको निष्कर्ष देना है, और निष्कर्ष में क्या देना है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान। तो ये 8 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है जो आपको निबंध में अच्छे नंबर दिलाने में मददगार हो सकता है, या अच्छे अंक आपको दिला सकता है नंबर में। और अच्छे अंक दिलाने के साथ साथ क्या होगा कि आप टॉपिक के इर्द गिर्द रहेंगे, टॉपिक से हटेंगे नहीं। और मूल उद्देश्य निबंध लेखन का आपके लिए क्या है कि आपको अच्छा अंक मिल जाए, 250 में से आप 140 160 नंबर तक प्राप्त कर ले, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और यदि इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको इस तरीके से नंबर की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है निबंध लेखन का सिद्धांत क्या है और किस तरीके का है, इसमें 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सबसे पहले निबंध क्यों लिखाया जाता है एग्जाम में, ये ध्यान में रखना है। निबंध में क्या होना चाहिए ये ध्यान में रखना है, और कैसे लिखें निबंध को ये ध्यान में रखना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि निबंध में जो चीजें होती है कि सबसे पहले आपने इसमें देखा है कि किन किन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है निबंध के लेखन के समय। वो अब है कि जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एग्जाम में निबंध आपसे लिखवाया जाता है, तो क्यों लिखवाया जाता है, क्या डिमांड होता है जो निबंध लिखवाने का वो, और फिर आपको कैसे उन चीजों को लिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्यों लिखाया जाता है, तो सबसे पहले निबंध जो है ना, आपके ज्ञान, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना आपके अंदर नॉलेज है, उसकी परख को वो जांचता है। दूसरा क्या होता है कि ये आपके बुद्धि कौशल क्षमता को भी जांचता है कि आपके अंदर तर्क करने की क्षमता, विवेचना करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों को समझने और समझाने की कितनी क्षमता है, इन सब बातों के लिए किया जाता है। फिर प्रसंग, यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है आप उसी के आसपास हैं या आप उससे कहीं भटक कर कहीं दूसरे तरफ निकल चुके हैं, इसलिए भी निबंध लिखवाया जाता है। क्योंकि जब आप प्रशासनिक क्षेत्र में, क्योंकि निबंध लेखन का या आपके एग्जाम में जो भी चीजें हैं उसका सीधा संबंध जो होता है वो प्रशासन से होता है। एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी मेंस में लिखवाया जाता है उसका सीधा संबंध प्रशासन से होता है कि आप एक अच्छे प्रशासक कैसे बनेंगे। इसीलिए ये निबंध का लेखन ऑप्शनल पेपर का भी और फिर जीएस का भी लेखन करवाया, लेकिन खासकर निबंध जो होता है वो बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ है। फिर आपके अंदर आप कितने बहुआयामी हैं यह भी देखा जाता है कि किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को कितने तरीके से आप सोच सकते हैं, कितने तरीके से आप देख सकते हैं, इसके लिए निबंध लिखवाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर आप कितने अनुप्रयोगात्मक अप्लाइड हैं ये भी देखा जाता है कि किन चीजों को आप कितना अनुप्रयोग करेंगे, व्यवहार में कितना लाएंगे। सिद्धांत और व्यवहार में फर्क होता है, सिद्धांत की जानकारी है लेकिन यदि आप उसका अप्लाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर उस सिद्धांत का महत्व आपके लिए कम हो जाता है। तो सिद्धांत की जानकारी के साथ साथ आप उसका अनुप्रयोग कैसे करते हैं, किस तरीके से वो। फिर निबंध लेखन जो है समय प्रबंधन आप कितना कर पाते हैं वो भी, क्योंकि जो वर्तमान निबंध लेखन है उसमें बिल्कुल शब्द सीमा दिया जाता है, आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो प्रशासन में भी क्या है कि प्रशासन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या है कि समय प्रबंधन की बहुत जरूरत होती है। तो यदि आप समय प्रबंधन अभी से बेहतर करना जानते होंगे, ये इसीलिए लिखवाया जाता है कि जो टॉपिक दिया हुआ है और जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में आप कितना इसके डिमांड पर खरे उतरते हैं, इसलिए ये लिखवाया जाता है। तो समय प्रबंधन आप कितना कर पाते हैं ये बहुत मायने रखता है। फिर लेखन कौशल कैसा है आपका इस पर, और किसी भी विषय वस्तु पर आप जानकारी को किस तरीके से छान लेते हैं, यानी कि एक तरीके से डायलिसिस कर लेते हैं वो है। तो निबंध जो किसी आयोग के द्वारा लिखवाया जाता है, किसी कमीशन के द्वारा, वो यही होता है, वो आपके अंदर इन इन चीजों की खोज करता है कि आखिर है।
फिर निबंध में क्या होना चाहिए और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपके निबंध में क्या होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। इनोवेशन जो होता है एक आइडिया भी हो सकता है और एक टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो आप जो निबंध लिखेंगे बेसिकली उसमें जो इनोवेशन आप डालेंगे वो किस रूप में डालेंगे, तो आइडिया के रूप में डालेंगे कि आप कोई ऐसा आइडिया लिख रहे हैं जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है और उसको लगेगा कि नहीं एग्जामिनेशन, और यदि आप यहाँ इनोवेशन को अपना रहे हैं इससे ये साबित होगा कि आप प्रशासन में भी जाकर नवाचार को अपनाएंगे, नवाचारों को बढ़ावा देंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। निबंध स्टूडियो टाइप का नहीं होना चाहिए, वो विश्लेषण करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है वो भागता है। फिर किसी भी टॉपिक को व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि कितना आप में व्याख्या करने की क्षमता है वो देखा जाता है। फिर कितना विशिष्ट है वो देखा जाता है कि आपने जो लिखा है किसी विषय वस्तु के प्रति जो आपकी समझ है वो कितनी विशिष्ट है। विशिष्ट कहने का अर्थ है कि अन्य से किस रूप में भिन्न है, तभी वो विशिष्ट होगा। तो विशिष्ट का अर्थ होता है कि अन्य से किस रूप में भिन्न है, अन्य से किस रूप में अलग है, ये देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि संपूर्णता है कि नहीं, यानी कि जो टॉपिक दिया गया है उसको निर्धारित शब्द सीमा में आप कहते हैं ना अपाद मस्तक, सर से पैर तक लिख पाए हैं या नहीं, तो संपूर्णता को देखा जाता है। तन्यता मजबूत होना चाहिए, और प्रासंगिक, प्रासंगिक कहने का अर्थ है ये जो लिखा है आपने हर एक दृष्टिकोण से सब्सटैंशियल होना चाहिए। प्रासंगिक कहने का अर्थ है कि भारत की जो सामाजिक दशा है, जो राजनीतिक दशा है, जो आर्थिक दशा है, जो सांस्कृतिक दशा है, इन सभी के दृष्टिकोण से सब्सटैंशियल तो होना ही चाहिए। साथ ही ये क्या होना चाहिए, संविधान के दृष्टिकोण से भी सब्सटैंशियल होना चाहिए, विधि के दृष्टिकोण से सब्सटैंशियल होना चाहिए, यानी कि वो रेलिवेंट हो। आप जो मटेरियल लिखा है वो इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरीके का लेखन करेंगे कि आपको लिखना है क्यों लिखाया जाता है, क्या आप में होना चाहिए निबंध में, तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों को करने के लिए आपको निबंध लेखन को कैसे करना है ये ध्यान में रखना है। तो कैसे करना है, तो निबंध को जनरली क्या है ना कि तीन भागों में बांटकर आप लिख सकते हैं। जैसे एक मैंने बताया निबंध का प्रस्तावना होता है, दूसरा निबंध का जो होगा वो मुख्य भाग जिसको बॉडी पार्ट कहते हैं, और तीसरा जो निबंध का होता है वो निष्कर्ष होता है। तो इस तरीके से आप तीन भागों में बांट कर लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट जो होता है इसी में आप अपने हर एक गुण को, क्वालिटी को प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना नवाचार है, या बॉडी पार्ट में कितना आपके पास विश्लेषण की क्षमता है, व्याख्या की क्षमता है, आप कितने विशिष्ट हैं औरों से कितने अलग हैं, संपूर्णता कैसे कर पाते हैं, संसक्त कैसे, ये सारी चीजें आप इस बॉडी पार्ट में दिखाएंगे क्योंकि ये इसका मूल एरिया। क्योंकि प्रस्तावना में आप ऐसे चीजों को लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे ताकि टॉपिक के इर्द गिर्द रहें और वो काफी संसक्त मजबूत हो, ताकि आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसके वो आप अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और निष्कर्ष भी कैसे लिखना है ये आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी ये ध्यान में रखना है कि किसी भी टॉपिक के निबंध को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि यहीं पर एक टॉपिक ले लिया जाए, जैसे कि आपको आज एक प्रश्न लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए कोविड 19 एवं भारत, कोविड 19 एवं भारत करके निबंध आ जाए लिखने के लिए। तो अब इसमें क्या है कि इसको सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, तो प्रस्तावना जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी कोविड 19 से, क्या है ये, कैसे होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके ऊपर आपको बताना होगा सबसे पहले कोविड 19, और फिर कोविड 19 एवं भारत, तो फिर इसके भारत पर इसका इम्पैक्ट को दर्शाना होगा, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या हुआ, सामाजिक इम्पैक्ट क्या हुआ, आर्थिक इम्पैक्ट क्या हुआ, पर्यावरणीय इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि पर्यावरणीय इम्पैक्ट भी बहुत हुआ, इसका प्रशासनिक इम्पैक्ट क्या हुआ, हर एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। फिर इस निबंध में क्या होगा, हमें लगता है कि इस बार ये आया भी आएगा भी इसमें, फिर आपको क्या देखना है कि इस कोविड 19 से निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा क्या किया गया, ये होगा। भारत सरकार के द्वारा कोविड 19 से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या किया गया वो देखा जाएगा। फिर कोविड 19 ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या नवीन चुनौतियां लाई और विज्ञान ने उसका कैसे जो है जवाब दिया है वो देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में कोवैक्सीन, कई सारे वैक्सीन तैयार हो चुके हैं वो है। और फिर भारत इस मामले में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आया है वो भी आपको दिखाना होगा, और फिर आप निष्कर्ष लिखें। तो पूरी की पूरी जो चीजें हैं जब आप इस तरीके से तोड़ कर लिखेंगे तो आपका जो निबंध होगा वो बहुत ही मजबूत निबंध होगा, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है।
और अब जो है निबंध की, अच्छे निबंध की क्या विशेषता, तो पहले तो आपने देखा ही है, लेकिन एक अच्छा उत्कृष्ट निबंध किसको माना जाता है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? टॉपिक से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि टॉपिक में यदि डिमांड नहीं है तब भी आप इन पॉइंट को डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि टॉपिक में यदि डिमांड है, उस तरह की चीजें हैं, आपके निबंध में क्या होना चाहिए? व्याख्यात्मक चीजें होनी चाहिए, व्याख्यात्मक होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, स्टीरियोटाइप का नहीं होना चाहिए, उसमें नवाचार होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया है वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, कहा गया है 700 वर्ड में तो आप 2000 वर्ड में लिख रहे हैं, 700 वर्ड में ही आप कोशिश करें कि 690 में ही लिखें, 10-20 शब्द आगे पीछे हो सकता है, कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जितनी समय सीमा दी गई है और शब्द सीमा, उसमें उसको लेखन करने का प्रयास करें, ये आपके लिए समय प्रबंधन के लिए और आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में भी आपके लिए बेहतर होगा। फिर सशक्त तो होना चाहिए आपका निबंध, काफी मजबूत हो, संपूर्णता होनी चाहिए उसमें, प्रासंगिक होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए? विशिष्टता होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है एक अच्छे निबंध की विशेषता मानी जाती है। और ये सारा चीज कब आएगा? एक दिन में तो नहीं आएगा, आप भी जानते हैं कि ये सारी जो चीजें, जो क्वालिटी है निबंध की, तो निबंध की जो ये सारी क्वालिटी है एक दिन में तो नहीं आएगा और किसी एक टॉपिक पर भी नहीं आएगा। ये लाने के लिए क्या करना होगा आपको? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सतत प्रयास करना होगा, कंटिन्यू प्रयास में लगा रहना होगा। और सतत प्रयास का अर्थ है कि कम से कम सप्ताह में आपको एक निबंध जरूर लिखना चाहिए, और सप्ताह में जब कम से कम आप एक निबंध लिखेंगे तो महीने में 4-5 निबंध आप लिखें और उसको अच्छे से देखें, चेक करवाएं और उसमें देखें कि कहाँ पर क्या रह गई है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो एक साल में आप कितना निबंध लिख लेंगे? कम से कम 50, 12, 4, 48, 50 निबंध लिख लेंगे आप। और जब आप एक साल में 50 निबंध लिख लेंगे या अच्छे से फॉर्मेटिंग करके भी लिख लेंगे, ये 50 निबंध जो है ना आपके जीएस लेखन में भी बहुत मददगार साबित होगा। कई बार ऐसा होगा इसी टॉपिक से कई सारा प्रश्न आपके जीएस में आ जाएगा। तो जीएस और निबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको आइडेंटिकल नहीं देखना है। कई बार क्या होता है, कई टीचर भी और कई छात्र भी इसको अलग अलग समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे से कोरिलेट है। यदि आप जीएस को खूब अच्छा कर लिए हैं, मैंने पहले बताया था, आप निबंध बहुत अच्छा लिख लेंगे। और निबंध यदि आपका बहुत अच्छा है, निबंध से संबंधित आपका बहुत मटेरियल है आपके पास, जैसे मैंने कहा कि आप सप्ताह में एक निबंध लिखने का अभी से शुरू कर दीजिए, एक साल में 50 निबंध लिख लेंगे, आपका ये जो बना हुआ मटेरियल होगा वो आप समझिए कि आपको बहुत सारे जीएस में मददगार साबित। ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक निबंध, उत्कृष्ट निबंध कैसी होती है और किन किन चीजों की उसमें डिमांड होती है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट है कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। जैसे मैंने पहले ही बताया इस लेक्चर के शुरू में ही, कि सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि यदि आप अभी तैयारी करना शुरू किए होंगे या लिख नहीं रहे होंगे, तो सबसे पहले मन में यही होता है, कोई भी आपको कहता होगा कि आप प्रश्न उत्तर लेखन करें, तो आपके मन में यही आता होगा सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, किस प्रकार करें। और इसी में सोचने में क्या होता होगा कि आपका 10 मिनट 15 मिनट का समय निकल जाता होगा। तो शुरुआत कैसे करें निबंध में, ये जीएस में शुरुआत करने की प्रक्रिया अलग है। जीएस में तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रश्न दिया गया है और आप उस दृष्टिकोण से उसको समझ गए हैं, तो टू द पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। वहां पर बहुत भूमिका, क्योंकि मान लीजिए यदि जीएस में कोई प्रश्न 150 शब्द में लिखना है, तो इसमें आप 50 शब्द में भूमिका लिखेंगे, तो फिर प्रश्न के डिमांड को कहाँ पर लिखेंगे? तो ये ध्यान में रखनी है, शब्द सीमा के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, निबंध की शुरुआत सशक्त प्रस्तावना के द्वारा करें, यानी कि जिसको आप भूमिका कहते हैं, परिचय कहते हैं, सशक्त प्रस्तावना के द्वारा करें। सशक्त प्रस्तावना का अर्थ होता है कि जो टॉपिक दिया गया है उसकी आप भूमिका में हम लोग क्या लिखते हैं, कि आप आगे जो लिखने जा रहे हैं, भूमिका में क्या होता है कि आप आगे जो भी लिखने जाएंगे उसका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होता है कि हम आगे इन इन चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण सशक्त होना चाहिए, ये ध्यान में चाहिए। रोचक प्रस्तुतिकरण हो, रोचक प्रस्तुतिकरण होने का अर्थ होता है कि जो आप लिख रहे हैं वो जो सामने पढ़ने वाला उसके मन में भाव ऐसा उत्पन्न हो जाए कि वो आपके निबंध को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, आखिर ये आगे अब क्या लिखा होगा, आखिर ये आगे अब क्या लिखा होगा, इस तरीके का उसके मन में भाव आप ला दीजिए कॉपी चेक करने वाले के मन में। तो ऐसा कब होगा? जब आप कुछ रोचक क्रिएटिविटी दिखाएंगे तभी होगा। अब होता है कि जब सशक्त प्रस्तावना और रोचक प्रस्तुतिकरण हो, तो इसके लिए आपको क्या करना हो, ये तो सब जानता है कि भाई सशक्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, प्रस्तावना बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को
टॉपिक को ध्यान में रखते हुए किसी विद्वान के स्टेटमेंट से उक्ति के द्वारा अपने निबंध को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, तो आप कोशिश करें कि महात्मा गांधी के विचारों से शुरुआत करें, उनका कोई उससे स्टेटमेंट मिलता जुलता है तो उनके उक्ति से शुरू करें। यदि मान लीजिए कोई ऐसा निबंध है जहाँ पर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय छवि के नेता थे, ऐसे लोगों के विचारों से आप निबंध की शुरुआत करें। जहाँ पर जरूरत हो तो आप निबंध की शुरुआत कहाँ से करें, तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से शुरुआत करें। जैसे युवा सशक्तिकरण पर आपको और युवा भारत पर आपको निबंध लिखना हो, जैसे मान लीजिए युवा भारत एक टॉपिक है, और युवा भारत पर यदि आपको निबंध लिखना हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यदि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों से शुरुआत करेंगे निबंध की, तो वो उच्च कोटि का लेखन होगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से जैसे आप मान लीजिए सामाजिक सशक्तिकरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, आप उस तरीके से लिखें सामाजिक सशक्तिकरण, या इस तरीके से कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सशक्तिकरण की शुरुआत, सामाजिक और धार्मिक सशक्तिकरण के लिए प्राचीन काल से ही जो है सो कई महापुरुषों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो वो रोचक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, और उसके लिए आप किसी विद्वान के कोटेशन से, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूछ दिया है युवा सशक्तिकरण पर, युवा भारत पर, और युवा भारत पर जिस किसी का विचार नहीं, आप उसके विचार से वहां पर शुरू कर दे रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पर फिट बैठे तो महात्मा गांधी के विचारों से, दयानंद सरस्वती के विचारों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों से, स्वामी विवेकानंद के विचारों से, राजा राममोहन राय के विचारों से, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जो विद्वान है उनके विद्वानों से आप शुरुआत करें। तीसरा आप इसको और क्या कर सकते हैं, और तो किसी लघु कथा के द्वारा जो है आप निबंध की शुरुआत, लघु कथा यानी संक्षिप्त 50-60 शब्द जितने में आप प्रस्तुतिकरण भूमिका लिखेंगे, उतने में आप किसी लघु कथा के द्वारा रेलिवेंट कोरिलेट करके प्रस्तुतिकरण करें, तो ये बड़ी मजेदार होगा। और फिर तीसरा आपको क्या करना चाहिए, रोचक और सशक्त प्रस्तावना बनाने के लिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिपोर्ट के द्वारा आप निबंध की शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आपको जलवायु परिवर्तन पर कोई लिखना हो निबंध, तो जलवायु परिवर्तन पर यदि कोई निबंध लिखना हो तो आप कोशिश करें यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो UNEP है, इसके रिपोर्ट से, यदि नवीन रिपोर्ट आपने दी दी है, इस नवीन रिपोर्ट से शुरुआत करें, या UNFCCC है, इनके द्वारा कोई नवीन रिपोर्ट है तो इससे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। IPCC के द्वारा जो कोई नवीन रिपोर्ट दी गई उससे शुरुआत करें। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट से शुरुआत करें। जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण पारिस्थितिकी पर यदि कोई निबंध लिखना है और वहां पर ये फिट बैठता है, तो आप क्या होंगे, बिल्कुल नवाचार से, नए तरीके से आप निबंध की शुरुआत करेंगे। इस तरीके से कोई लिखेगा भी नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। और इसी पर यदि कोई भारत की संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था, तो भारत की राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रिपोर्ट के आधार पर भी आप लिखें, तो आपका निबंध क्या होगा, काफी सशक्त होगा, रोचक होगा, और आपके लिए प्रस्तुतिकरण आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये तीन पॉइंट आपको निबंध की शुरुआत करने में मददगार हो सकता है, कि आप निबंध लेखन की शुरुआत किसी विद्वान की उक्ति से करें, खासकर ये ध्यान में रखना है कि टॉपिक रेलिवेंट हो, किसी लघु कथा से आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, और पांच चौथा तीसरा कि आप किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रिपोर्ट के द्वारा आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीन पॉइंट यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको निबंध लेखन कैसे शुरुआत करें इसके लिए कोई समस्या आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा इस पर काम करना होगा आपको कि युवा भारत पर लिखना है तो विवेकानंद की किस क्वोटेशन से यहाँ पर हम शुरुआत करें, यदि मान लीजिए कि एक आत्मनिर्भर भारत पर लिखना है तो महात्मा गांधी के विचारों से हम कैसे शुरुआत करें, लोकतंत्र पर यदि लिखना है तो किस तरीके से हम अब्राहम लिंकन के विचारों से इसकी शुरुआत करें, जैसे उन्होंने कहा, उनका कहना था ना कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का शासन है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखते हुए क्वोटेशन से शुरुआत करें तो आपके लिए निबंध में शुरुआत करने की कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर है इसमें नेक्स्ट सेक्शन कि निबंध का अंत कैसे करें। तो किसी भी टॉपिक का, न केवल निबंध का बल्कि GS में भी या ऑप्शनल पेपर में भी जब आप लिखते हैं तो वहां तो बिल्कुल कम शब्दों में आपको अंत करनी होती है, लेकिन निबंध का अंत भी जब आप करेंगे तो 50-60-100 शब्दों में आप निबंध की कोशिश करेंगे 50 शब्दों में अंत करने का।
तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि जब आप निष्कर्ष लिखें, निबंध का अंत करें, तो अंत या निष्कर्ष जो होना चाहिए निबंध का सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एंडिंग दिखाना है, ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा इसमें आपको ध्यान में रखना है कि वो भविष्योन्मुखी हो, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक होने का अर्थ है कि फ्यूचर में आगे चलकर ये जो टॉपिक है या जो आपने लिखा है इसका भारत पर या वैश्विक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो फ्यूचरिस्टिक। भारत या इसका यदि कुछ वैश्विक व्यवस्था से संबंध है निबंध का, तो उसका वैश्विक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो वैश्विक व्यवस्था पर प्रभाव इसको आप भविष्योन्मुखी दिखाएं कि आगे चलकर ये इस तरीके से लाभदायक साबित हो सकता है। फिर क्या होना चाहिए कि आपके दृष्टिकोण में आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि निगेटिव, और जो एक होता है ना कि आप निगेटिव भावना से निबंध नहीं, बिल्कुल आशावादी कि ऐसा यदि हम करेंगे तो ऐसा होगा, ये आशावादी दृष्टिकोण होता है कि यदि मान लीजिए भारत अपने यहाँ पर अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए इनमें कौशल विकास कर लेता है, तो आने वाले समय में भारतीय युवाओं को भारत और विश्व में रोजगार के तमाम अवसर क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे आशावादी दृष्टिकोण से निबंध लिखना चाहिए। फिर यदि संभव हो तो सुझावात्मक दृष्टिकोण आना चाहिए, यही होता है, सुझावात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि आप एंडिंग करें कुछ अच्छे सुझाव से। अच्छे सुझाव से कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं देता हूं कि आप शहरीकरण की समस्या पर निबंध लिख रहे हैं कि शहरीकरण है की समस्याएं, ये निबंध है और शहरीकरण की समस्याएं पर आप निबंध लिख रहे हैं और इसको समाधान सुझाना है, तो आप इसका एंडिंग कर सकते हैं सुझाव देने के लिए कि जिस तरीके से देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जिस तरीके से देश में आवास के निर्माण के लिए जो है सो बड़े पैमाने पर या कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया गया था, या जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि वाजपेयी जी के शासन काल में भरता हुआ भारत का दृष्टिकोण था, उस तरीके की कुछ कोशिश हमें करना चाहिए शहरीकरण की समस्या के समाधान के लिए। तो सुझावात्मक होना चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए, और ये तुलनात्मक भी हो गया तो, और सुझावात्मक भी होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अनुप्रयोगात्मक होना चाहिए, अनुप्रयोगात्मक और व्यवहार मूलक दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। अनुप्रयोगात्मक और व्यवहार मूलक होने का अर्थ है कि आपने जो लिखा है उस समय काल विशेष में समाज राज्य देश के स्तर पर प्रयोग होने के लायक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अकबर के हवा महल की तरह, कहते हैं ना कि अकबर बिरबल का हवा महल बनाना है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप हवाई किले नहीं हो, आपके निबंध में होना चाहिए कि आप जो लिखे हैं वो प्रयोगात्मक हो, उसको प्रशासन में, इसका सीधा शर्त है आपने जो कॉपी में लिखा है वो प्रशासन में जाकर किस तरीके से प्रयोग कर पाएंगे या नहीं, तो वो प्रयोगात्मक होना चाहिए, व्यवहार मूलक होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, संरचनात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, और सबसे प्रमुख ये संविधान और विधि को ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से निबंध का एंडिंग करना है, और इस तरीके से यदि आप एंडिंग करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके के एंडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको जीएस पर बहुत पकड़ होनी चाहिए, विषय वस्तु टॉपिक पर आपका यदि जबरदस्त पकड़ होगा तभी आप इस तरीके से एंडिंग करके आएंगे, नहीं तो आप लिखेंगे इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ये है ये है ये हो, तो इस तरीके के यदि आप एंडिंग करेंगे तो आपको नंबर कम मिल जाए, ये ध्यान में। और इन चीजों के हिसाब से यदि हम एंडिंग में 50 शब्द इन चीजों पर खर्च करते हैं, 60 शब्द 100 शब्द, तो फिर आपका निबंध बहुत दमदार मजबूत होगा और आप नंबर अच्छे प्राप्त करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि अंत कैसे करें। फिर है कि निबंध लेखन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, यानी क्या मिस्टेक नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आप जब भी निबंध लिखें तो देश के संविधान विधि और जो न्यायिक आदेश है या न्यायपालिका का निर्णय है, तो न्यायपालिका के निर्णय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। न्यायपालिका के निर्णय का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो फिर ये क्या होता है कि एक तरीके से न्यायपालिका की अवमानना होती है, और न्यायपालिका अपने अवमानना के लिए हमें दंडित भी कर सकता है, उसे दंड देने का अधिकार है, ये आपको पता है। तो आपको ये कोशिश करनी है, और कोशिश नहीं है बिल्कुल होना ही है, कि आप जो निबंध लिख रहे हैं तो संविधान के किसी प्रावधानों का उल्लंघन ना हो आपका निबंध, भारत की जो विधि व्यवस्था है उसका उल्लंघन ना करे आपका लेखन, और जो न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय हैं उन निर्णयों का कहीं तो वो उल्लंघन नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर रूढ़िवादी दृष्टिकोण से बचना है, जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्सी दृष्टिकोण होता है उससे बचना है। अब आप 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं,
तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है और नवीन विचारधाराएं आती है और पुरानी जो चीजें होती है जो समय और काल के हिसाब से सापेक्ष नहीं रह जाते उनको पीछे छूटना ही होता है। तो आपको रूढ़िवादी दृष्टिकोण से ऊपर उठकर लिखना है, ये ध्यान में रखना है। रेडिकल दृष्टिकोण नहीं अपनाना है। रेडिकल दृष्टिकोण कहने का अर्थ है कि ऐसे किसी भी लेखन शैली से बचना है जो आपके निबंध के एकांगिक सोच को प्रदर्शित करता हो, ये ध्यान में रखना है। फिर आपको दिखाना है निबंध में कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली जो विचारधाराएं होती है वो आपके निबंध में नहीं आ जाए। बिल्कुल निबंध जब भी लिखें देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखना है कि हमारी निबंध में इन चीजों का प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि तो यदि आप नेशनल इंटीग्रेशन की भावना नहीं रखते हैं, देश के एकीकरण की भावना नहीं रखते हैं, तो आप अच्छे प्रशासन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी निबंध में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने वाली विचारधारा, प्रभावित करने वाली विचारधारा का लेश मात्र भी दर्शन नहीं होना चाहिए। और पांचवा, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि भारत की जो कम्युनल हारमोनी है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, वो आपके निबंध में दर्शन हो। कहीं ये ना हो कि आपके निबंध में आप सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने वाली विचार कर रहे हो, जो हमारी कम्युनल जो सामाजिक संस्कृति है उस संस्कृति को तोड़ने वाली विचार आपके निबंध में नहीं होना चाहिए। ये चीजें बिल्कुल जो है ना एक तरीके से आपको गांठ बांध लेना है, व्हाट आर यू डू और क्या आपको नहीं करना है, कि क्या करें क्या नहीं करें ये तो ध्यान में रखना है। क्योंकि ये सब चीजें यदि आप कर बैठे निबंध में और कहीं भी इसका लेस मात्र भी दर्शन हो गया, तो यदि आपने बहुत अच्छा भी लिखा है तब भी आपको निबंध में नंबर नहीं मिलेगा। और आपके निबंध में बिल्कुल सर्वधर्म संभाव की भाव होना चाहिए, कि जैसा लगे कि जब आप सर्वधर्म संभाव का बात करते होता है ये ऐसा लगे आपके लेखन से, यदि उस टॉपिक में है कि यदि ये प्रशासन में जाएगा तो समाज के सभी वर्ग के लिए काम करेगा, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगा, वो आपके निबंध में दिखना चाहिए। ऐसा न लगे कि ये समाज के किसी वर्ग के प्रति अभी से बायस्ड है, तो फिर आपके सिलेक्शन के मार्ग में वो बाधा हो जाएगा। और यहाँ तो वो होगा ही, जब आप साक्षात्कार में भी यदि पहुंच जाएंगे तो साक्षात्कार में भी इस तरीके का सोच आपके सिलेक्शन में बाधाएं पहुंचा सकती है। तो ये सब जो है ना से बिल्कुल बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपके सफलता में बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकती है और सफलता को रोक भी सकती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या करना है ये ध्यान में रखना है और क्या निबंध में नहीं करना है ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब है कि निबंध लेखन में विषय यानी सब्जेक्ट के चयन का क्या महत्व है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, निबंध लेखन में क्या होता है कि सब्जेक्ट के चयन का, या सब्जेक्ट कहें या टॉपिक के चयन का जो होता है ना, ये बड़ी भूमिका होती है। टॉपिक के चयन का जो होता है ये बड़ी भूमिका होती है, चयन की बड़ी भूमिका। और जाहिर सी बात है कि जब टॉपिक के चयन की बड़ी भूमिका होती है तो सबसे पहला प्रश्न तो अब यही उत्पन्न होता है, तो आखिर जब इसकी बड़ी भूमिका है तो फिर टॉपिक का चयन कैसे किया जाए, किस आधार पर टॉपिक का चयन किस आधार पर किया जाए, चयन किस आधार पर किया जाए, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, किस आधार पर किया जाए। तो किस आधार पर किया जाए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो यूपीएससी हो, और जब आपके पास प्रश्न पत्र मिले तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सेक्शन बांट के रहता है निबंध लिखना, आपको सेक्शन वाइज लिखन होता है सेक्शन, तो प्रत्येक सेक्शन को पहले आप अच्छे से प्रश्न को, जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, पहले अच्छे से उसको समझने का प्रयास की, पढ़ने का नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ने का नहीं, उसको समझने का प्रयास करना। और 2-4 मिनट आप समझने के प्रयास में बिताइए कि आखिर ये टॉपिक क्या है, किस चीज की डिमांड कर रहा है, वो आप देखिए। समझने के प्रयास करने के बाद क्या करना है कि जब आप उसको समझ रहे हैं तो दूसरा स्टेप अब आपका होना क्या चाहिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि आप खुद अपने आप को जानते हैं कि आपका मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है। तो आपकी दूसरी स्टेप ये होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है, आपका जो ऑप्शनल पेपर है, क्या उसके इर्द गिर्द कोई निबंध है, ऑप्शनल पेपर के इर्द गिर्द कोई निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ऑप्शनल पेपर के इर्द गिर्द कोई निबंध है, और यदि ऑप्शनल पेपर के इर्द गिर्द कोई निबंध है तो
तो फिर वो निबंध आपको चयन करना चाहिए, क्योंकि यदि ऑप्शनल पेपर के इर्द गिर्द कोई निबंध है तो फिर क्या होना चाहिए कि आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल आपके पास होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, तब तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है सो भूगोल जो है ऑप्शनल पेपर है, किसी आईएएस एस्पिरेंट का भूगोल ऑप्शनल पेपर है, और भूगोल ऑप्शनल पेपर है। अब इसको देखिए, जैसे मान बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण से संबंधित यदि कोई भी निबंध आता है तो ये भूगोल का कोर एरिया आ जाता है। तो आपके पास मटेरियल की अधिकता होगी, आप इसको खूब अच्छे से लिख सकते हैं। पर्यावरण के साथ साथ मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग या इसके सेक्शन में जितना भी आ सकता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो या फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडिएशन हो, इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, इस तरह की जो भी चीजें होंगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है। आप जीएस में भी पढ़े हैं, कोई कोई जीएस में पढ़ा होगा और आप ऑप्शनल स्तर पर इसको पढ़े हैं, तो आपके पास मटेरियल की भरमार होगी, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई निबंध आपको शहरीकरण पर लिखना है, तो शहरीकरण क्या है, इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है, और भारत में शहरीकरण की क्या समस्या है, इस पर निबंध लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि भूगोल में ये जो सेटलमेंट ज्योग्राफी हम लोग अलग से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो एक भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते शहरीकरण के पास पर आपके पास पर्याप्त मटेरियल होगा, और जब पर्याप्त मटेरियल होगा तो फिर आपके लिए क्या होगा कि निबंध लेखन काफी आसान हो जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो टॉपिक दिया हुआ है उसको निबंध लेखन के लिए चुनिए। तीसरा क्या करना है इसमें कि जब ऑप्शनल पेपर देख लिया, और यदि ऑप्शनल पेपर के इर्द-गिर्द नहीं है, तब आपको देखना है कि यदि समसामयिकी पर अच्छी पकड़ है तो समसामयिक विषय के निबंध को चुने, समसामयिक विषय पर आधारित निबंध को चुने। और समसामयिक विषय पर आधारित निबंध को मैं इसलिए कर आधारित चुने, इसका क्या है, तो देखिए यदि आपको ऑप्शनल पेपर के इर्द गिर्द नहीं मिल रहा है तो अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए समसामयिकी पर, क्योंकि आप जीएस के सभी पेपर की तैयारी के लिए अच्छे से समसामयिकी को पढ़े होंगे, और जब अच्छे से समसामयिकी को पढ़े होंगे तो आप समसामयिकी वाले लिखे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक निबंध इसमें लिखना हो आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो बिल्कुल ये निबंध जो है ना एक तरीके से आपके लिए सिलेक्शन देने के लिए ही दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये जो है करेंट का टॉपिक, आप जीएस के लिए भी तैयार करो, पेपर में इतना इस पर चर्चा हुई तो आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि कोविड-19 और भारत, तो यदि कोविड-19 और भारत पर आपको निबंध लिखना है तो आप इसको लिखिए समसामयिकी में। और यहीं पर कोई फिलोसफिकल दिया हुआ है कि बुढ़ापा मानता नहीं है और बचपन में समझ नहीं पाए, इस तरीके के निबंध लिखने के लिए बहुत बड़ी पकड़ होना चाहिए। आप एक पेज तो लिख लेंगे कि बुढ़ापा मानता नहीं है और बचपन में समझ नहीं पाए, तो फिर क्या है कि आप एक पेज लिखते लिखते अब आपके पास मटेरियल ही नहीं, तो इस तरीके के निबंध से बचना चाहिए आपको। नहीं तो क्या होगा ना कि समय भी जाएगा, फिर आप छोड़ेंगे, फिर अगला निबंध, फिर अगले निबंध में टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर आप काटेंगे तो कॉपी में कटखुट भी अच्छा नहीं होता, आप भी जानते होंगे। तो बिल्कुल आपको कोशिश करना चाहिए कि आप समसामयिकी आधारित पर लिखें। यदि दर्शन पर पकड़ अच्छा ना हो तो दार्शनिक निबंध से बचें, दार्शनिक निबंध लेखन से बचना चाहिए, दार्शनिक निबंध से बचें। हाँ, ये उसके लिए है जिनका दर्शन पर विषय वस्तु पर अच्छा पकड़ ना हो। हर एक के लिए कोई जरूरी नहीं था कि हर एक का दर्शन पर बहुत अच्छा पकड़ होता है, जिसकी अच्छी पकड़ है वो जरूर इस पर लेखन करें, उनको अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आपका दर्शन पर पकड़ नहीं है और तब गए हैं दर्शन पर लिखने के लिए, तब तो यही होता है कि आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ यही होता है कि आप खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि दार्शनिक निबंध से बचना है, यदि आपके दर्शन पर अच्छे पकड़ नहीं है तो आप ऐसे निबंध को लेखन से बचें। तो टॉपिक का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, और जब टॉपिक के सेलेक्ट आपके अच्छे होंगे तो आप क्या करेंगे, निबंध अच्छे लिखेंगे। और जब आप टॉपिक का चयन कर लिए इस तरीके से, तो टॉपिक का चयन करने के बाद आप क्या क्या करें, तो सबसे पहले जब ये हो गया कि आपने टॉपिक का चयन कर लिया है, तो अगला प्रोसेस आपको निबंध लेखन में क्या करना चाहिए, टॉपिक चयन के बाद आप सबसे पहले लिखने से पहले क्या करें कि उसका फॉर्मेटिंग करें। टॉपिक चयन के बाद
फॉर्मेटिंग करें उसका, आप निबंध का लास्ट पेज में जाके रफ लिख के फॉर्मेटिंग करें और लास्ट में आप उसको काट भी दें, फॉर्मेटिंग करें। और फॉर्मेटिंग करें तो सबसे पहले उसको फॉर्मेटिंग में ऐसा नहीं कि बहुत पॉइंट केवल लिखना होता है कि आप उसमें क्या क्या डालना चाहते हैं, सिक्वेंसली आप उसको लिख लीजिए। और फॉर्मेटिंग जब आप कर लें तब आप निबंध को लिखना शुरू करें। तो आप कोशिश करें कि कंटिन्यू, तब आप निबंध को फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक पैराग्राफ लिखेंगे फिर सोचना होगा कि अब क्या लिखना है, फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे फिर सोचना होगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तब निबंध के लास्ट टाइम में क्या होगा ना, आपके पास समय कम हो जाएगा। और फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लिए हैं तो फिर क्या होगा कि आपको निबंध लेखन में कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। हम लोगों के समय क्या था, 3 घंटे का निबंध का टॉपिक, निबंध का पेपर होता था, और 3 घंटे में हम लोगों को क्या था कि एक ही निबंध लिखना होता था। 2010 से पहले आप देखेंगे यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, एक ही निबंध लिखना होता था। तो हम लोग यही करते थे कि पहले देखते कि हमारे निबंध के टॉपिक में पहले 5 मिनट हम लोग उस प्रश्न को समझने में व्यतीत करते थे कि आखिर ये क्या है और क्या डिमांड है इसका। फिर उसके बाद टॉपिक चयन होता था कि आखिर क्या कौन सा लिखा जाए। और टॉपिक में पहली प्राथमिकता यही होती थी कि हमारा जो ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके नजदीक कौन है वो लिखो, यदि वो नहीं है तब समसामयिक की विषय को चुनो। और चुनने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फॉर्मेटिंग करते थे बिल्कुल 20-25 मिनट तक फॉर्मेटिंग करते थे। और 20-25 मिनट तक लास्ट में 2-3 पेज में फॉर्मेटिंग कर लेने के बाद 2.5 घंटा कंटिन्यू लेखन होता, एकदम नॉन स्टॉप राइटिंग होती। तो वो क्या होता है ना कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपको फॉर्मेटिंग करना चाहिए, ये ध्यान में रखें। तो विषय वस्तु का, और कोशिश यह भी होना चाहिए कि कुछ जो आप ट्रेडिशनल निबंध के लेखन का नहीं, लेकिन कुछ समसामयिकी टॉपिक जो होते हैं ना, समसामयिकी, तो समसामयिकी के टॉपिक का घर पर एग्जाम में जाने से पहले भी आपको क्या करना चाहिए कि उसका फॉर्मेटिंग करके रख लेना चाहिए, कि यदि वो टॉपिक या उससे मिलता जुलता टॉपिक आपके पास आता है निबंध लिखने के लिए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और ये जीएस में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि घर पर आप आत्मनिर्भर भारत अभियान को 4-5 पेज में अच्छे से फॉर्मेटिंग करके रख लेंगे, घर पर आप यदि कर लेंगे COVID-19 और भारत, तो फिर जो है सो आप उसको यदि वो आया और जीएस में भी आता है तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे। यदि आप लिखते हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर फॉर्मेटिंग करके लिख लिया, उससे रिलेटेड निबंध आता है तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। ऐसा निबंध आ जाता है वर्तमान विश्व की चुनौती, वर्तमान विश्व की चुनौती, एक ये निबंध आ जाए। तो वर्तमान विश्व की चुनौती या वर्तमान भारत की चुनौती आ जाए, और इस तरीके का टॉपिक सोच सोच के यदि आप फॉर्मेटिंग करके लिख लेंगे ना घर पर, तो आप मान लें कि आप जीएस में आपसे बेहतर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता और निबंध भी आपसे कोई अच्छा नहीं लिख सकता। तो घर पर भी इस तरीके से आप जो मैंने कहा ना कि जैसे मान ली सप्ताह में एक निबंध आप जरूर लिखें, और ये आदत यदि आप डाल लेते हैं सप्ताह में एक निबंध लिखने का, और उसको फिर से फॉर्मेटिंग करके रख लेते हैं, तो आप समझिए कि अगले साल जब आप मेंस लिखने के लिए जाएंगे, या अभी ही यदि आप मान लीजिए कि आप 2021 में मेंस लिखने के लिए जाते हैं, तो अभी से मेंस तक आप कितने निबंध लिख लेंगे, अभी से मेंस तक कम से कम आप 35-36 निबंध लिख लेंगे और उसका फॉर्मेटिंग करके। तो 35-36 निबंध और फॉर्मेटिंग करके लिख लेंगे तो ये तो जीएस में बहुत मददगार होगा ना। यही रणनीति समझने की जरूरत होती है और ये करना होगा आपको, ये ध्यान में रखें। अब है इसमें कि एक नेक्स्ट सेक्शन होगा इसमें कि तो अब कुछ टॉपिक है कि किसी ऐतिहासिक परिकल्पना से यदि निबंध लिखना है, उस पर निबंध लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो आप ध्यान से देखिए। किसी ऐतिहासिक परिकल्पना से संबंधित विषय पर निबंध लिखने का तरीका, तो ऐसे आप जब भी करें तो निबंध का उस पर प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, ऐतिहासिक परिकल्पना पर है तो ऐतिहासिक परिकल्पना पर प्रस्तुतिकरण में आप किसी ऐतिहासिक महापुरुष के कोटेशन से उठा सकते हैं, किसी लघु कथा से लिख सकते हैं वो। और यदि ऐतिहासिक परिकल्पना पर है तो प्राचीन काल में उस प्राचीन काल पर उसके कसौटी को कसिए, मध्य काल में उस पर उसको कसिए, ब्रिटिश काल में और उत्तर स्वतंत्र काल में यानी कि 1947 के बाद उसकी क्या स्थिति है, प्रेजेंट, इसका सीधा अर्थ हो गया कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है, उस तरीके से। तो ऐतिहासिक परिकल्पनाओं पर आधारित जो विषय वस्तु होते हैं उस पर निबंध लिखने का ये तरीका होगा कि आप उस तरीके से उसको लिखें। अब एक जो लास्ट प्रश्न उत्पन्न होता है इसमें, इतनी सारी चीजें तो मैंने बता दी, तो अब आपके लिए उत्पन्न होता है कि निबंध लिखने के लिए मटेरियल किस तरीके से, मटेरियल
क्या होगा और किस तरीके के मटेरियल पर फोकस किया जाए। तो देखिए, निबंध लेखन के लिए मटेरियल तो कोई एक जगह पर है नहीं, जो मैं बता दूं कि यहाँ से आप उठा लो, और ये किसी पुस्तक के फेवर में मैं जाता नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि कोई पुस्तक आपके लिए बहुत मददगार नहीं होगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत। सबसे पहले निबंध लेखन में आपके लिए क्या होना चाहिए, जो कुछ जीएस तो मजबूत आपका होना ही चाहिए, लेकिन मटेरियल आपको कहाँ कहाँ से अच्छा मिल सकता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना चाहिए। कुरुक्षेत्र जो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग का आता है, कुरुक्षेत्र पर फोकस करें। तो कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास से है और उससे संबंधित बहुत सारा मटेरियल रहता है, जिसमें आप जीएस के में भी यूज कर सकते हैं और निबंध में भी। योजना आपको पढ़ना चाहिए, योजना भी भारत सरकार की होती है। इसमें क्या होगा ना कि आपको डाटा बहुत ऑथेंटिक मिलेंगे, बहुत सारा केस स्टडी का चीज मिल जाएगा। तो योजना और कुरुक्षेत्र से मटेरियल प्लस डाटा जो ऑथेंटिक होगा, और वो जो आप निबंध में या जीएस के किसी भी टॉपिक में लिखेंगे, तो वो आपके लिए मार्वलश होगा। योजना कुरुक्षेत्र होना चाहिए। एक दैनिक पेपर आप जरूर पढ़िए, और दैनिक पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर भी डालता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। तो पेपर में जो पढ़ने के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैं हर एक चीज उस पर डाल देता हूँ। तो दैनिक पेपर एक पढ़िए आप, और फिर एक दृष्टिकोण मंथन आता है जो पाक्षिक होता है, 15 दिन पर आता है। दृष्टिकोण मंथन एक पत्रिका टाइप का होता है। तो दृष्टिकोण मंथन जो है ना, ये जो है सो आप जरूर, हम लोग भी इसका यूज करते थे। तो दृष्टिकोण मंथन में क्या होता है ना कि इसमें एक ही टॉपिक पर पेपर कटिंग का होता है बहुत सारा संचय। जैसे कभी आप मान लीजिए, उदाहरण देते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है कृषि बिल पर, किसान आंदोलन और कृषि बिल पर इस दृष्टिकोण मंथन में कम से कम 10 आर्टिकल होंगे। अब मान लीजिए 10 आर्टिकल होगा, तो एक जगह यदि इस पर आपको 10 आर्टिकल मिल गया, तो सभी को पढ़ लीजिए और उस पर अपना एक कॉमन जो सब्सटेंशियल व्यू है वो बना के एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसका। तो ये कर लेंगे तो आपके लिए यहाँ से बहुत मदद मिल जाएगा। और मटेरियल इसमें थोड़ा सा पीआईबी से जुटा सकते हैं, पीआईबी भी समय से आप देखिए, और वहाँ पर यदि कोई ऑथेंटिक मटेरियल मिलता है तो वो निकाल कर रख लीजिए। आपको कोशिश करना चाहिए, जितना आप फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया पर जाते हैं देखने के लिए, तो आप राज्यसभा टीवी को देखा कीजिए। राज्यसभा टीवी पर जो डिबेट होता है, वो आपके जीएस के लिए भी और अन्य चीज़ों के लिए, निबंध के लिए भी बहुत मददगार होगा। तो इन सब से आप क्या होता है ना कि मटेरियल आप जुटा सकते हैं। जैसे कि एक योजना आया था COVID-19 और भारत की विदेश नीति, अब मान लीजिए अब उसको आप पढ़ के सिनॉप्सिस करके लिख लेंगे, तो COVID-19 भी होगा उसमें, उस समय भारत की विदेश नीति कैसी रही, ये। तो इन सारे चीजों से आप मटेरियल स्रोत ऑथेंटिक स्रोतों से जुटा सकते हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये आप जरूर करें। अब लास्ट जो एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया, इतना सब होने के बाद कि मैं आपके लिए इसमें क्या मददगार हो सकता हूं, मैं आपके लिए क्या मददगार हो सकता हूं, ये एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में, मैं आपके लिए क्या मददगार हो सकता हूं, इस संबंध में हो सकता हूं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस संबंध में ही नहीं, बल्कि आपके पास जो 1 जनवरी का स्ट्रेटजी सेशन का गया था, जो 2 जनवरी का स्ट्रेटजी सेशन का गया है, जो आज का स्ट्रेटजी सेशन का, इससे संबंधित यदि कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर वीडियो के कमेंट में लिखिए। यदि आप वीडियो के कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसको जरूर देखता हूँ, मैं समझूंगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, हमारी कोशिश होगी कि आपके पास साथ में जब आप जाएं और आपको जरूरत है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ टॉपिकों पर फॉर्मेटिंग करके आपको बताऊंगा, निबंध में जरूर कुछ टॉपिकों पर आपको फॉर्मेटिंग करके बताऊंगा कि आखिर निबंध में फॉर्मेटिंग की क्या भूमिका है और किस तरीके से किसी टॉपिक का फॉर्मेटिंग किया जाए, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने एक टारगेट सेट कर लिया है कि पूरी एग्जाम के जो तैयारी का चीज है वो पहले आपके सामने डाल दें, तो 3 चीजें आपको मैंने पहुंचा दी है। एक जो मेंस के जीएस पेपर की तैयारी कैसे करें, वो रणनीतिक सेशन आपने देख लिया है और उस पर आप जरूर अमल कीजिए। 6 महीने जो समय बचे हो, वो जो प्रीलिम्स का आपके पास स्ट्रेटजी सेशन गया था उस पर आप अमल कीजिए। और निबंध का जो मैंने कहा कि कम से कम सप्ताह में 1 निबंध लिखे और उसका फॉर्मेटिंग करके देखिए,
तो वो आपके लिए बहुत मददगार होगा। और जिन जिन तकनीकी पहलुओं पर मैंने निबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराया है, यदि इन सारे पहलुओं को आप अपने में समेट लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ कि आपको किसी भी कीमत पर 150 मार्क से निबंध में कम नहीं आएगा। और यदि आप इतना मार्क्स निबंध में ले आते हैं, तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आपके इंटरव्यू अच्छे चले गए, तो फिर जो है सो आप अच्छे रैंक से सफल हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि न केवल आप सफलता को प्राप्त करें, बल्कि अच्छे रैंक को प्राप्त करो, मैं इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। और अगले लेक्चर जो एक स्ट्रेटजी सेशन होगा, उसमें मैं ये लेकर आऊंगा कि ऑप्शनल पेपर का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए, क्या उसका जो पेरीमीटर्स होना चाहिए, उस पर हम लेकर एक और स्ट्रेटजी सेशन आएंगे। और इसमें आपको जो भी जरूरत हो, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट में लिखेंगे, और साथ ही यह कैसा लगा वो भी आप जरूर लिखें। और अपने दोस्त मित्रों को सबको जो है सो आप इसका वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अब आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो यह दो प्रकार का, एक प्लस कोर्स का है और एक आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 49,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे, तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको, ये 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यह 72,000 का है। यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे, तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है, उसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 12 मंथ का 69,500 का है। यहाँ पे भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे, तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ये 1,07,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे, तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, वो 96,300 में आप प्राप्त कर लेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है? तो इसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, और स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये चारों चीजें आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में मिलता है। तो फिर आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि आखिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा मिलता है पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और जाहिर सी बात है कि यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित और देश के सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी के लिए प्रॉपर मेंटोर की जरूरत होती है, मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। तो आप 1 या 2 वर्षों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से जो भी कोई अनअकैडमी के जीएस का प्लस कोर्स या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, खासकर आइकॉनिक, तो जल्द ले लें, ताकि प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन पर उनको मिल जाए। और अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के अलग से 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे, तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 24,750 में आप प्राप्त कर लेंगे। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं अंत करूँगा। और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। और फिर एक और स्ट्रेटजी सेशन लेके आऊँगा, जो मैं पहले ही बता दिया हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।